बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फाइव। टुडे वी आर गोना डूइंग योर लेक्चर नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 9। होप सो यूनिट नंबर 7 जो हमने पढ़ा था ज्योमेट्री वाला आप सबको समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। और उसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप उसको बार बार भी करना चाहें तो आप वीडियो को रीप्ले करके उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर छोटी क्लासेस से ही आपको पढ़ाया जाता है, ऐसा ही है ना। ग्राफ के जरिए आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, आप लोगों का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। अब आपको ग्राफ्स भी आएंगे भी इस चैप्टर में, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पहले एवरेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये एवरेज क्या है, तो आ जाए ज़रा आप लोग बुक्स खोलें, चैप्टर नंबर 9 खोलें, ठीक है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अपने मार्क्स से कभी एवरेज फाइंड किया आप लोगों ने? जो मार्क्स आपके आते हैं सारे सब्जेक्ट्स से मार्क्स प्लस करके जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर डिवाइड कर दें तो आपकी एवरेज आ जाती है, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने आज क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखें एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। गिवन नंबर्स आपके पास ये, और ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं। एवरेज का फॉर्मूला लिखें, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, सम में लिखें फिर 125 + 145 + 80 + 124 + 102 + 144। नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इन सबको प्लस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास 720 डिवाइडेड बाय 6। 720 को करें 6 पे डिवाइड, 120। 120 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, एज इट इज पार्ट नंबर 2 आपने करना है, 4 और 5 भी आपने करना है। सेम फॉर्मूला, सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। सम कर लें, 200 + 300 + 250 + 260 + 210 + 0 + 280 + 108 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टर्म्स हैं तो डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, इन सबको प्लस किया, प्लस करने के बाद आंसर आया 1608 डिवाइडेड बाय 8।
डिवाइड कर दें, 8 1 8, 8 2 16, 0 एज इट इज और 8 1 8। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 201। पार्ट नंबर 4 और 5 भी आपका होमवर्क है, एज इट इज है, ठीक है। सो पार्ट नंबर 2, 4 एंड 5 क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 76 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। सेम फॉर्मूला लिखें यहां पे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज, था यहां पे क्वांटिटीज दी हुई थी, यहां पे नंबर्स उसने कहा है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज के जितने वो नंबर हैं, ठीक है। एवरेज उसने आपको क्या कही है कि 76 है, तो एवरेज की जगह पर 76 लिख दें। सम उसने आपको कहा है कि सम नहीं पता, सम सम की जगह पे लिख दें सम ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसने कितनी कही है, 5 कर दें। ये फाइंड करना है आपने सम ऑफ नंबर्स, उसने कहा है कि आप फाइंड करें। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स। करें इसको 76 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आएगा 380। तो आपके पास इन नंबर्स का सम क्या आएगा, वो जो 5 नंबर्स उसने आपको कहे हैं, 380, ये आपका आंसर है। जस्ट क्या किया, 5 डिवाइड हो रहा था, इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 11 एज इट इज है, बिल्कुल यही पैटर्न है। उसमें आपको ऐसे ही ये सारा फॉर्मूला लिखे, उसमें एवरेज दी हुई है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज दी हुई हैं, सम आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, खुद से करना है। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट में सेम फॉर्मूला लिखें, पहले एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज आपको दी हुई है, सम दिया हुआ है, एवरेज 50 दी हुई है, सम क्या दिया हुआ है, 350। फाइंड द टोटल नंबर, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज नहीं दी हुई, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं रेज कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 एज इट इज है, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ आके डिवाइड। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाय 50, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपके पास क्या आ जाएंगी, 7। क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, तो वो आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सब लोग नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रेज कर रही हूं,
ठीक है, साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें, अगर किसी का रह जाए तो आप वीडियो को रीप्ले करके नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। समीना'स मंथली सेविंग्स ऑफ लास्ट 6 मंथ इज गिवन बिलो। मंथ्स दिए हुए, उसमें उसने कितनी कितनी सेविंग की है। जुलाई में 2000 रुपीज की है, अगस्त में 2500 की है, और सितंबर में 1650 की है, अक्टूबर में 1500 की है, नवंबर में 1750 की है, और दिसंबर में 1502 रुपीस सेविंग की है, ठीक है। फाइंड हर एवरेज मंथली सेविंग्स फॉर ईच मंथ, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है कि उसकी हर मंथ की जो सेविंग्स हैं उनकी एवरेज क्या है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं फाइंड। आपको पता ना कि हम एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सेविंग्स का फाइंड करना है तो हम लिखेंगे सम ऑफ सेविंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ। सम ऑफ सेविंग्स देखें जरा, सेविंग्स कितनी कितनी थी, 2000, 2500, 1650, 1500, 1750, 1502, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिवाइडेड बाय 6, इन सब का सम आपके पास आएगा 10902 डिवाइडेड बाय 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1817 रुपीस, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अली पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ लास्ट 5 मंथ्स एज गिवन बिलो। फाइंड हिज एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ईच मंथ। मार्च में है 575, अप्रैल में है 1253, मई में है 1675, जून में है 1893, और जुलाई में है 2004। इतना इतना बिल उसका आया इन मंथ्स में। आपने अब एवरेज फाइंड करनी है, आपने सारे जितने जितने उसके बिल्स आए उन सबको प्लस करना है, और मंथ्स काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 मंथ्स हैं, डिवाइड कर देना 5 से। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 ऑब्टेन मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट विच आर गिवन बिलो। क्लास 5 के 6 स्टूडेंट का मैथ्स का टेस्ट हुआ है, उनके मार्क्स बताए हुए नीचे। स्टूडेंट्स हैं अली हैं, मार्क्स हैं उनके 96, असद हैं, मार्क्स हैं उनके 47, साद हैं, मार्क्स हैं उनके 89, उसके बाद है साउद हैं, उनके हैं मार्क्स 93, हमजा के मार्क्स हैं 75, शफीक के हैं 68। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट ऑब्टेन, ठीक है। एवरेज करनी है तो सबके मार्क्स को प्लस करें, 96 प्लस 47 प्लस 89 प्लस 93 प्लस 75 प्लस 68,
डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस करके आंसर आएगा 468 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 68। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सब में एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है। सेवेंथ वाले में देखें, द टेम्परेचर ऑफ 7 डेज ऑफ अ सिटी इन इज गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईच डे। मंडे को टेम्परेचर था 31 डिग्री, ट्यूसडे को था 36 डिग्री, वेडनेसडे को था 41 डिग्री, थर्सडे को था 38 डिग्री, फ्राइडे को था 42 डिग्री, सैटरडे को 40 डिग्री और संडे को 38 डिग्री। तमाम टेम्परेचर्स को आप प्लस करेंगे एवरेज फाइंड करने के लिए, और कितने डेज के टेम्परेचर हैं, 7 डेज के, तो 7 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद से करना है, 9 भी आपने खुद से करना है, एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, 10th वाला मैं आपको करवा देती हूँ, 10th में भी एवरेज ही फाइंड करनी है। 10th वाले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, प्राइजेस ऑफ द बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। कुछ सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं उनकी प्राइजेस नीचे दी हुई है। इंग्लिश की प्राइस है 95, उर्दू की है 92, साइंस की है 76, मैथ्स की है 89 और सोशल स्टडी की है 68। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक। ठीक है, एवरेज फाइंड करनी है, सब बुक्स की प्राइस को प्लस कर दें। प्लस 68, नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो डिवाइडेड बाय 5, इन सबका सम आएगा आपके पास 420 डिवाइडेड बाय 5, 84 रुपीस, ये इसकी एवरेज आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बताया था सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो वीडियो देखते हुए साथ साथ नोट डाउन करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए वो क्वेश्चंस आपने एज अ होमवर्क लाजमी घर से करने हैं। ठीक है, अगर आप उनको छोड़ेंगे तो आपका काम पेंडिंग हो जाएगा, और पेंडिंग हो जाएगा तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो अभी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अपना काम साथ साथ नोट डाउन किया करें। किसी को कुछ समझ नहीं आती तो काइंडली वीडियो रीप्ले करके देख लिया करें। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर कट समझ आ जाए। घरों में रहें जितना हो सके, घरों से बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरन, अल्लाह हाफिज़।